नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा पुलिस और बदमाशों का हुआ आमना सामना। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना रायक क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, अन्य दो बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। शैलेश उर्फ शेलू, जो की इनामी बदमाश, को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 3.315 बोर के तमंचे के साथ साथ 3 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस किया बरामद। एक मोटरसाइकिल की बरामद। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम, जो कि पुरस्कार घोषित अपराधियों पकड़ने के लिए जनपद में बनाई गई है, को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बलदेव से राया की तरफ किसी वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम के द्वारा इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उनको रुकने का इशारा किया तो उसमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया, जिसमें से की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ में उस बदमाश ने अपना नाम शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया, जो कि गैंगस्टर एक्ट में जनपद आगरा से वांछित था तथा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद आगरा एवं अन्य स्थानों से दर्ज हैं। इसके 2 अन्य साथी, जो कि जिनका नाम सीताराम और कन्हैया है, जो कि नगला दे के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। मौके से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।